हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर दिया था और मैंने पिछले वीडियोस में 3 क्वेश्चंस लिया था, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे वो, और हम बेसिकली बात कर रहे हैं कौन से चैप्टर के, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के, जो कि चैप्टर नंबर 8 है फ्रॉम HC वर्मा, और यही सेम चैप्टर नंबर 5 है फ्रॉम NCERT। तो ये गाइज उसी डायरेक्शन में है अभी लेक्चर नंबर 32, और इस वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, 15, 16, 19 एंड 21 डिस्कस करूंगा, अगेन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, चैप्टर 8 के एक्सरसाइज फ्रॉम HC वर्मा। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लिड अप ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज बाय अ पर्सन। तो सबसे पहले तो मैं एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना लेता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक एन इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे एक कोई ऐसा ब्लॉक है जिसकी मास कितनी दे रखी है, एक्चुअली वेट दे रखी है 100 न्यूटन, और इसको स्लोली स्लिड अप किया जा रहा है। देखो गाइस, जब भी स्लोली स्लिड अप है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया, स्लोली स्लिड अप मतलब क्या कि फोर्स बैलेंस है नीचे ऊपर और तब वो मूव कर रही है, तो ये मतलब होता है इसका। स्मूथ इंक्लाइन है मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और ये इंक्लिनेशन कितनी है, 37 डिग्रीज है। अभी कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब ये इसके ऊपर कुछ ऐसा 2 मीटर तक ट्रैवल कर रहा है। ये सपोज करो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो है दैट इज 2 मीटर है, जिसको 2 मीटर ऐसे ऊपर लेकर जाना है हमें यहाँ से यहाँ। उस केस में सबसे पहले वर्क डन निकालना है। वहाँ भी दो सिचुएशन दी गई है, इफ़ द ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड बी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये जो फोर्स है जो कि वर्क डन करेगा, एक बारी जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है जस्ट पैरेलल टू द इंक्लाइन, और एक बारी फोर्स जो है ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल टू द इंक्लाइन। एक बारी फोर्स ऐसे है, एक बारी फोर्स ऐसे है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ 1, इसको कंसिडर करता हूँ 2। तो इस केस में जब वो 2 मीटर ऊपर मूव कर रहा है, तब हमें वर्क डन निकालना है इन दोनों ही केस में। तो चलो सबसे पहले ए केस देखते हैं, जब ये फोर्स ये F1 है। तो जब फोर्स F1 है तो दोनों ही केस में एक्चुअली सबसे पहले क्या होगा, एक ग्रेविटी फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, 37 डिग्री एंगल वाले डायरेक्शन में, यहाँ पे mg होगा, और इधर कितना होगा, ये mg साइन ऑफ 37 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और इसी के अगेंस्ट एक्चुअली इन दोनों फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा। यही वो ग्रेविटी फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट है जिसके अगेंस्ट इन दोनों फोर्सेस को वर्क डन करना है और 2 मीटर ऊपर तक लेकर जाना है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे। एम जी की वैल्यू ही बेसिकली 100 न्यूटन गिवन है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है। तो F1 है हमारे पास, उस F1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, mg साइन ऑफ 37 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्लोली स्लिड अप करेगा। मैं बताया दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, और mg हमारे पास पता है 100 है, साइन 37 इज नथिंग बट 0.6, तो यहाँ से कितना होगा, ये 60 न्यूटन होगा। तो 60 न्यूटन का फोर्स ये F1 है, और इसी F1 का वर्क डन पूछ रहा है वो इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो जस्ट आप इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दैट विल बी 120 जूल, ये होगा आपके पास वर्क डन। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट ए। ऐसा क्यों किया मैंने, डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों किया विदाउट टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज मुझे पता है कि इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, बट F1 ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, या दोनों की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव भी नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। अगर ग्रेविटी फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है तब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अब गाइस बी पार्ट देखते हैं, जब F2 हॉरिजॉन्टल है, तो F2 बेसिकली हॉरिजॉन्टल है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, वो कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसा, और ये एंगल कितना है, 37 डिग्रीज है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे F2 cos ऑफ 37 होगा हमारे पास, ये F2 cos ऑफ 37 को mg sin ऑफ 37 के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, F2 cos ऑफ 37 मस्ट बी इक्वल टू mg sin ऑफ 37, ऐसा देखो आप, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी वो स्लोली स्लिड अप करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। अभी ये फोर्स जो है F2 cos ऑफ 37, ये बेसिकली 2 मीटर ऊपर तक लेकर जाएगा, तो वर्क डन कैसे निकालूंगा मैं, F2 cos ऑफ 37 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अभी सेम है। अब F2 cos ऑफ 37 किसके इक्वल है, mg sin ऑफ 37 के इक्वल है, तो mg sin ऑफ 37 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट अगेन इक्वल टू 120 जूल। गाइस यहाँ पे भी 120 जूल आ गया, यहाँ पे भी 120 जूल आ गया, ऐसा क्यों आया यहाँ पे, ये समझना है इस क्वेश्चन में। एक बारी जब फोर्स आप पैरेलल लगा रहे हो, ये वाला, एक बारी फोर्स जब हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, दोनों ही केस में वर्क डन क्यों सेम आया, जबकि उसको डिस्प्लेस 2 मीटर ऊपर के डायरेक्शन में करनी है, इसको सोचो गाइस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखो ऐसा क्यों आया, क्योंकि इन दोनों ही फोर्स को क्या करना पड़ रहा है, इन दोनों ही फोर्स को सिर्फ एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स कोई और नहीं बल्कि ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट उनको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इसको तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि हमारे पास ये ब्लॉक ऐसा है, इसको ऐसा 2 मीटर हमें लेकर जाना है ऊपर, ये कुछ ऐसा 2 मीटर लेकर जाना है। तो एक्चुअली में कितना लेकर जाना, अगर हाइट की बात मैं करूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है,
तो हम ग्रेविटी फोर्स के वर्क डन को निकाल कर उसको नेगेटिव साइन अगर अप्लाई कर दें तो हमें दोनों फोर्स की वजह से वर्क डन निकल जाएगी, क्योंकि वही है। देखो सवाल वही है कि आपको ऊपर 2 मीटर लेकर जाना है, उसके लिए कितनी वर्क डन लगेगी। अब चाहे फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, आपको अल्टीमेटली जो वर्क डन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है। तो उसके लिए ये हमारी 37 डिग्रीज गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin 37 हो जाएगा। ये वाला जो हाइट होगा, हाइट ये वाला कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 2 sin 37। 2 sin 37 मतलब कितना, 2 multiplied by 0.6, दैट इज नथिंग बट 1.2। तो इसको 1.2 मीटर्स ऊपर लेकर जाना है ब्लॉक को वर्टिकली। तो 1.2 लेकर जाना है, तो आप जस्ट mgh निकालो, और नेगेटिव होगा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। तो माइनस mg हमें गिवन है, दैट इज 100, h कितना है 1.2, तो यहाँ से कितना आया ये माइनस ऑफ 120 जूल। देखो यही बोल रहा हूँ मैं, तो ये माइनस ऑफ 120 ग्रेविटी वर्क कर रहा है इतना। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, 120 जूल प्लस में। तो दोनों ही केस में डायरेक्ट आप ये आंसर निकाल सकते थे एक ही बार में, और दोनों ही केस में आप बोल सकते थे कि 120 होगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि दोनों ही को ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, और हाइट सेम है और फ्रिक्शन तो हमारे पास है नहीं। तो ये गाइस था इस क्वेश्चन का मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दैट अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन with its velocity varying with the distance traveled according to the equation this v is equals to a square root of x given है। एक कोई भी पार्टिकल है हमारे पास स्मॉल मास m का, वो किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ऐसा, और उसकी जो वेलोसिटी है जो v है वो डिस्टेंस के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रही है। वो किसी भी रीजन के साथ वेरी कर सकती है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बट डायरेक्टली आपको ऐसा देखना है कि वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है वो जब स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो जहाँ पे a कांस्टेंट है। Find the total work done by all the forces during a displacement from x is equals to 0 to x is equals to d. देखो एच सी वर्मा सर ने भी इसलिए लिख दिया कि कोई भी फोर्स हो आपको सारे ही फोर्स के साथ वर्क डन निकालना है। Find the total work done by all the forces during a displacement from x is equals to 0 to x is equals to d. तो यहाँ पे आपको बेसिक फंडा यूज करना पड़ेगा वर्क डन का। हमें पता है वर्क डन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर या डी आर वैक्टर बोल दो, ये होता है अपने पास बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला। बट यहाँ पे तो हमें वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी से आपको कोई ऐसा रिलेशन यूज़ करना होगा यहाँ पे जिससे आपका फोर्स निकल जाए, और उसको फिर डॉट डी एक्स करोगे और इंटीग्रेट करोगे एक्स इजिक्स टू जीरो टू एक्स इजिक्स टू डी पे, तब आपका वर्क डन निकलेगा। तो कुछ ऐसा आपको माइंडसेट यूज़ करना है यहाँ पे। तो बट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आप वेलोसिटी से कैसे फोर्स लाओगे, दैट इज़ द बिगेस्ट वरी यहाँ पे। तो वेलोसिटी को मैं एक तो ऐसे करूँगा कि डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ इजिक्स टू ए रूट अंडर एक्स, या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो वेलोसिटी से डी वी बाई डी टी यूज़ करके। देखो कैसे निकाल सकते हो, आपके पास v गिवन है a रूट अंडर एक्स, यहाँ से डी वी बाई डी टी अगर आप करोगे तो क्या होगा हमारे पास a, और ये x टू द पावर हाफ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a अपॉन 2 रूट अंडर एक्स डी एक्स बाई डी टी, ऐसा होगा हमारे पास। और डी एक्स बाई डी टी अगेन क्या है, v है, तो a अपॉन 2 रूट अंडर एक्स डी एक्स बाई डी टी इज़ v, और v अगेन क्या है a रूट अंडर एक्स है, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना है हमारे पास, दैट इज़ ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 अपना डी वी बाई डी टी है, दैट इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स आ ही जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी फोर्स आपके पास आ गया, उस फोर्स को आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी फोर्स कितना होगा, मास इंटू ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्सेलरेशन ए स्क्वायर बाई 2 आया था। अभी देखो क्योंकि मैं जो फोर्स निकाला हूँ वेलोसिटी की यही डायरेक्शन थी, तो फोर्स की भी यही डायरेक्शन निकली हमारे पास, और फोर्स की यही डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की यही डायरेक्शन, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा आपके पास, कॉस 0 दैट इज 1। तो ये आपका एफ हो गया एम ए स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स 0 टू डी, कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। तो यहाँ से एम ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकल गया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और डी एक्स का एक्स इंटीग्रेशन 0 टू डी, दैट इज नथिंग बट एम ए स्क्वायर डी अपॉन 2। ये आपके पास हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो गाइज सिंपल था ये क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल था, बट आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत पढ़ना, जस्ट v इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट एक्स दिया है, तो डायरेक्ट वहाँ से डी वी अपॉन डी टी निकालना, और वहाँ से फिर आप एक्सेलरेशन निकाल लेना, उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द फोर्स, फोर्स के बाद आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करना। अब डायरेक्शन की ज़्यादा चिंता मत करना क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0 इज बेसिकली 1, एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू डी, दैट इज नथिंग बट एम ए स्क्वायर डी अपॉन 2। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, अगेन इंक्लाइन प्लेन, ऐसा बनाता हूँ मैं एक इंक्लाइन प्लेन, 2 kg का ब्लॉक है जो कि ऐसे रेस्ट पे रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, और उसको पुल अप किया जा रहा है इस प्लेन पे
बाय अप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइन. ऐसा कोई कॉन्स्टेंट फोर्स है 20 न्यूटन का जो कि इंक्लाइन के पैरेलल है, वो अप्लाई किया जा रहा है टू मूव इट अप. अभी कह रहा है द फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड. ओके, यहाँ पे कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है कि जो फोर्स है वो सिर्फ टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए लग रहा है. कौन सा फोर्स? ये फोर्स जो 20 न्यूटन का है हमारे पास, ये सिर्फ 1 सेकेंड के लिए लग रहा है. तो शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल्स. मैं क्या कह रहा है कि जो वर्क डन होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 जूल्स, ये सबसे पहले शो करना है. तो इन सब रिलेशन से यहाँ पे हम ऐसे वर्क डन कैसे शो कर सकते हैं कि लेस देन इज इक्वल टू 40 जूल्स, मतलब 40 जूल से एक्सीड नहीं करना चाहिए वो मैक्स जो है वर्क डन दैट इज 40 जूल्स. कैसे आप सोचोगे इस क्वेश्चन को? वेल, सबसे पहले तो ये कॉन्स्टेंट फोर्स है आपका जो 20 न्यूटन वाला है, और कौन सा फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे आपको वो सोचना है. तो एक ये 20 न्यूटन फोर्स हो गया, एक दूसरा नन अदर देन ग्रेविटी 2g यहाँ पे होगा. तो इस डायरेक्शन में कितना होगा? 2g साइन ऑफ 37 होगा. एक ये फोर्स लगेगा, एक 20 न्यूटन फोर्स लगेगा. यही दोनों फोर्स लगेगा और इन दोनों फोर्स के प्रेजेंस को हमें 1 सेकंड तक देखना पहले, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स जो है वो 20 न्यूटन 1 सेकंड तक ही लग रहा है ऐसा गिवन है क्वेश्चन में. तो उसके बाद देखते हैं हम कि वर्क डन को कैसे 40 जूल से एक्सीड नहीं करेगा, ये देखते हैं. तो सबसे पहले जो नेट फोर्स होगा दैट इज 20 माइनस ऑफ 2g, मैं जी को 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे गिवन है. सो 20 इंटू 0.6 होगा अपने पास, दैट इज नथिंग बट 20 माइनस ऑफ दिस इज वॉट 12, दैट इज नथिंग बट 8 न्यूटन. सो 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे नेट ऊपर ऐसे लग रहा है इस ब्लॉक पे. और कितने टाइम के लिए लग रहा है ये 8 न्यूटन? 1 सेकंड के लिए लग रहा है. तो 8 न्यूटन के कारण एक्सेलरेशन कितनी होगी हमारी? एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने वाला हूँ, तो हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए. तो फोर्स आपके पास 8 है, दैट इज इक्वल्स टू मास 2 है ए. यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4 m/s² अपने पास एक्सेलरेशन है. चलो एक हमें एक्सेलरेशन मिल गया, दैट इज 4 m/s². अपने पास टाइम है 1 सेकंड. हमें एक और चीज़ चाहिए होगी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए. वो चीज़ कहाँ से मिलेगी? वेल, देखो यहाँ से ये गिवन है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg kept at रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है. तो आपको यू कितना यूज़ करना पड़ेगा? 0 यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ऑब्वियसली देखो मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन. 20 न्यूटन वाले फोर्स के कारण हमें वर्क डन निकालना है. ये जो गिवन है शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन है, कॉन्स्टेंट फोर्स. वो उसके कारण जो वर्क डन है दैट शुड नॉट एक्सीड 40 जूल्स, ऐसा गिवन है. तो फोर्स आपके पास है बट आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें ऐसे सोची और उसको अभी निकाल रहे हैं. तो यहाँ से आप अगर डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? एक्स इज इक्वल्स टू यू टी. यू 0 है तो वो टर्म चला जाएगा हाफ ए, ए इज 4 इंटू टी स्क्वायर. टी कितना है? 1 है, 1 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4, दैट इज नथिंग बट 2 m. तो एक्स हमारे पास 2 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 m, और फोर्स कितना है? फोर्स 20 न्यूटन है. तो देख रहे हो यहाँ से फोर्स इज 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 2 m, वर्क डन निकालो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, कॉस्ट 0 दैट इज 1, 20 × 2 इज वॉट 40 न्यूटन. सो 40 न्यूटन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वर्क डन. तो इसलिए जो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल्स, वो यहाँ से आया है. तो ये ग्रेविटी को कंसिडर करने के बाद आया है. आप ग्रेविटी को कहीं भी मत भूलना, ग्रेविटी हमेशा ही बड़ा रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे देख चुके हैं हम कि वर्क डन जो है 40 जूल से एक्सीड नहीं करने वाला है. दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? Find the work done by the force of gravity in that 1 second. If the work done by the applied force is 40 joules, okay. अभी जो है work done उन्होंने consider कर लिया 40 joules है. तो हमें gravity force के कारण work done निकालना है पहले 1 second में. कैसा था अपना system? कुछ ऐसा था, यहाँ से यहाँ जा रहा है और gravity force ऐसे लग रही है 2g sine of 37 degrees. ये 37 degrees है हमारे पास. तो ये gravity force अगेन 2 m का जब ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसके कारण वर्क डन निकालना है. तो सबसे पहले तो नेगेटिव होगा ये ग्रेविटी फोर्स के कारण वर्क डन, क्योंकि हमें ऊपर मूव करवाना है. तो फोर्स अपने पास कितना है? 2g साइन ऑफ 37 है ग्रेविटी फोर्स, जिसके कारण वर्क डन निकालना है, दैट इज 20 × 0.6, दैट इज नथिंग बट 12 न्यूटन. 12 न्यूटन का है अपने पास ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 m है जो अभी हमने निकाला. तो ये जब यहाँ से वर्क डन निकालोगे दैट इज 12 × 2, दैट इज इक्वल्स टू −24 जूल्स. माइनस क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई −24 जूल्स. सी पार्ट क्या है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट. मतलब अगेन एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड की बात कर रही है, क्योंकि वहीं पे फोर्स जो है सीज टू एग्जिस्ट है. तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है. काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें जस्ट वेलोसिटी चाहिए. तो हमें पता है यू 0 था वहाँ पे, टाइम 1 सेकंड है, एक्सेलरेशन 4 m/s² है. ये 3 चीज़ें हमें पता थी. अभी यहाँ से आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी v² − u², दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 2 × a कितना है? 4. और x कितना है हमें मालूम है, डिस्टेंस कितना है? 2 है. दैट इज 4 × 2 × 2, दैट इज 16. तो यहाँ से v कितना आया अपने पास? 4 m/s आया.
दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास 4 मीटर्स पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू एम इज टू इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 16। सो ये कुछ और नहीं बल्कि 16 जूल्स है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ से निकल कर आया। तो देख रहे हो ये तीन पार्ट भी काफ़ी ईजी है, बट आपको ग्रेविटी फोर्स को यहाँ पर भूलना नहीं है। अगर उसको भूल जाओगे तो फिर आप मिस्टेक कर बैठोगे। तो बहुत ही आराम से देखना, बहुत ही आराम से पढ़ना इस क्वेश्चन को, पहले खुद अटेम्प्ट करना उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखना। और एक बार आप यहाँ पे ए पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो फिर बी और सी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी आपसे। तो ए पार्ट ही था जो यहाँ पे क्रिटिकल था। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कुछ ऐसा है कि वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाई फॉल। ओके, यहाँ पे फॉल का क्वेश्चन है। फॉल की हाइट कितनी है, 50 मीटर है, दैट इज गिवन है। एंड दैट फॉल, दैट 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करनी है हमें इस फॉल से। कुछ ऐसा गिवन है कि इफ 1.8 × 10⁵ kg ऑफ वाटर फॉल्स पर आर, मतलब यहाँ पे जो मास है वाटर की पर आर, मास पर आर गिवन है, दैट इज व्हाट 1.8 × 10⁵ kg पर आर। इतना वाटर जो है वो फॉल से नीचे गिर रहा है, फॉल्स पर आर, एंड हाफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ से जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा उसका हाफ ही, मतलब 0.5 times ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में 100% तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, ठीक है। 0.5 times जो है कन्वर्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कह रहा है हाउ मेनी 100 watt लैम्प्स कैन बी लिट, कितने 100 watt के लैम्प आप जला सकते हो इससे, ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट किया गया है। कन्फ्यूज हो सकते हो आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज में, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है बट क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हाइट आपके पास है 50 मीटर्स, हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और यहाँ पे तो पानी जस्ट नीचे आ रही है तो पॉजिटिव ही होगा हमारे पास। सो यहाँ से हमारे पास m गिवन है, दैट इज 1.8 × 10⁵ kg/h / g। 9.8 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं है कि आप g 10 मीटर्स पर सेकेंड ले लो, पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई एच इज 50। तो इतना हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास जूल है पर आर में है, दैट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो आएगा 882 × 10⁵ J/h। और हमें देखना क्या है कि इतनी एनर्जी जो है वो कितने 100 watt के लैम्प्स को लिट कर सकती है। बट वेट, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा वो ओनली 5.5 times कर सकता है। तो इसको आपको 0.5 times करना पड़ेगा, मतलब 0.5 × 882 × 10⁵ एंड दैट विल बी इक्वल टू 441 × 10⁵ तो इतनी जूल्स पर आर जो है ये हमें देगा। और ये जो हमें दे रहा है उससे देखना है कि कितनी 100 watt वाले बल्ब हम लिट कर सकते हैं। 100, देखो अब यहाँ पे वॉट का मतलब क्या है, वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, इतना जूल पर सेकेंड हमें देखना है, और ये क्या है, जूल पर आर है। तो आप इसको आर को जो है वो सबसे पहले तो सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आर को, आर देखो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 1 hour में कितने सेकेंड्स होते हैं, वेल 60 × 60 seconds होते हैं। तो यहाँ से उसको कैलकुलेट करो आप, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 12250, इतनी जूल पर सेकेंड आएगी आपके पास। तो इतनी जूल पर सेकेंड, और इतना हमें ये बल्ब देखना है कि कितना नंबर ऑफ इतना बल्ब जलाना पड़ सकता है। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड है गाइस, आप क्या करोगे, जस्ट 100 जूल्स को इसके साथ डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा 122.50, मतलब इतने बल्ब जला सकते हो। अब 0.5 का तो कोई मतलब नहीं है, आधी बल्ब तो कोई होता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज़ व्हाट 122 बल्ब्स आप लिट कर सकते हो इतनी एनर्जी से। तो ये आंसर है गाइस। तो देखो ये बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज होना चाहिए, फिर 0.5 times एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकती है वो कन्वर्ट, उसके बाद आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, जूल्स पर आर में आपके पास है, आपको जूल्स पर सेकंड में कन्वर्ट करके यूनिटरी मेथड यूज़ करना है, दैट्स ऑल। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई क्लिफ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 meters per second एट एन अननोन एंगल, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ये भी थोड़ा क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या ऐसा गिवन है कि एक क्लिफ है हमारे पास, उस क्लिफ की हाइट गिवन है दैट इज 40 meters, दैट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, और यहाँ से कुछ एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 meters per second और किसी एक अननोन एंगल पे, एंगल नहीं गिवन है, ऑब्वियसली नहीं गिवन है क्योंकि हमें चाहिए नहीं एंगल। तो यहाँ से ये फिर वापस से ऐसे ग्राउंड पे आएगा, यहाँ पे हिट करेगा,
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी होगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो इनिशियल एनर्जी है इसके पास, इस प्रोजेक्टाइल के पास, वही फाइनल एनर्जी होगी यहाँ पे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है कि नेगलेक्ट नहीं किया गया, बट आपको ऐसा सपोज करके चलना है क्योंकि कुछ भी उस रिगार्ड में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है इन्वॉल्व, इसलिए आपको ये मानना है कि जो इनिशियल एनर्जी होगी वही फाइनल एनर्जी होगी, और उस चीज़ को यूज़ करके आपको फाइनल स्पीड निकालनी है। तो चलो हम पहले इनिशियल एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे इस सरफेस को मैं जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस मान रहा हूँ, दिस ग्राउंड को। तो ग्राउंड से 40 मीटर्स ऊपर है, तो एम होगा उसका मास जी इंटू 40 होगा, प्लस एक यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के कारण हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, वी इज वॉट 50, 50 स्क्वायर। और ये दोनों जो एनर्जी है इनिशियली, वही यहाँ पर जाकर उसको यहाँ की नेट एनर्जी देगी। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा हमारे पास, तो सिर्फ कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं क्यों लिखा कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व होता है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह या कोई भी फ्रिक्शन वगैरह, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते थे। तब क्या होता, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती बॉडी की, सिस्टम की। सिस्टम यहाँ पे एक बात और गौर देने वाली है कि अगर आप सिस्टम इस प्रोजेक्टाइल प्लस अर्थ को मानोगे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली इंटरनल फोर्स होगा। तो एच सी वर्मा सर ने अपने बुक में वैसे ही गिवन किया है कि उन्होंने हर बारी ये क्लेरिफाई भी किया है कि जो भी पार्टिकल है और अर्थ है, उन दोनों ही को वो सिस्टम मान रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पर सिर्फ इंटरनल फोर्स का ही वर्क डन आ रहा है प्ले में, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरनल फोर्स की वर्क डन वाले केस में ही हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होगी जब इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर रही हो। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व होगा और वो वर्क डन करेगी, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा सिस्टम का, मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगा। तो वहाँ पे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बोला कि वो सिस्टम कंप्लीटली ले रहे हैं, मतलब पार्टिकल को भी और अर्थ को भी सिस्टम ले रहे हैं। अब उन दोनों को छोड़ के, मतलब पार्टिकल को और अर्थ को आप सिस्टम कंसिडर कर लिए, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगे, वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कुछ भी हो, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स लगे और वो एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे, तो फिर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है, दैट इज़ एन इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स वर्क डन कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एच सी वर्मा सर, जिन्होंने ऐसा लिखा है अपने बुक में। तो ऐसा सोचकर आप चलो कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और वो लगेगी सिस्टम पे और वो वर्क डन करेगी सिस्टम पे, अगर वर्क डन नहीं करे एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई बात नहीं, तब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। बट एक तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, उनका वर्क डन नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं होना चाहिए अगर आप सिस्टम पार्टिकल प्लस अर्थ को ले रहे हो। सिर्फ इंटरनल फोर्स होनी चाहिए और इंटरनल फोर्स ही वर्क डन करनी चाहिए, तभी आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ वही है, मैंने पार्टिकल और अर्थ को सिस्टम लिया है, तो इंटरनल फोर्स जो है, वो ग्रेविटी ही सिर्फ वर्क डन कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया है। तो यहाँ से आप एम को कैंसिल कर दो और टू इस तरफ लेकर जाओ, जी को मैं 10 ले लेता हूँ, तो दैट इज़ नथिंग बट 800 हो जाएगा, प्लस दिस इज़ वॉट 2550 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप वी निकालोगे, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 58 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये होगा आपके पास आंसर। तो गाइज़ ये थे 5 क्वेश्चन इस वीडियो के, जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया था, ये सोचकर कि एक अच्छी कॉन्सेप्ट बूस्ट करेगी आपकी। और भी क्वेश्चंस थे जो मैंने स्किप किया, बट मैंने वो इसलिए स्किप किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप उन क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर लोगे और बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है उसमें। मतलब कॉन्सेप्ट्स अच्छे इन्वॉल्व हैं, बट आपको वो आती है, जो मैंने थियरी डिस्कस किया, ये सब डिस्कस किया, तो आपके वो ऑलरेडी बूस्ट हैं वो कॉन्सेप्ट, तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे, आगे के क्वेश्चंस के साथ आएंगे एच सी वर्मा एक्सरसाइज के ही। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन है गाइस, तो वीडियोस काफ़ी सारे आएंगी वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चन से रिलेटेड, और मैं बहुत ही कम क्वेश्चन स्किप करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ऑब्वियसली उसको स्किप करूंगा, बट जहाँ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा, चाहे लेक्चर्स के नंबर कितने भी ज़्यादा हों। तो गाइज ये मैं होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया हो और आप काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हो इस वीडियो को गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।